Varma Yuri school teacher in the math stream. Previous classes I taught you the real chapter, real number chapter, and I will continue this chapter exercise number 1B. Have you know that what is the rational number in the previous class? But here you know that the rational number will be can expressible terminating and non-terminating decimal. So first of all, your question is right. What is the terminating decimal and what is the non-terminating decimal? Then I define to you what is the terminating decimal. Look at terminating decimal. Every rational number can be expressed in a decimal if the decimal is expressible of p by q of the terminating. That means comes to an end. Then the decimal so the obtained is called the terminating decimal. For example, 1/8. 5/4, 11/5, etc. अगर 8 को बेटा 1 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड का मतलब क्या देखते हो, 1 2 5 के बाद इसका रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0. जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या हो गया, टर्मिनेटिव डिसिमल हो गया. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो टर्मिनेटिव डिसिमल नहीं होता. इसका ट्रिक क्या कहता है कि आप कैसे समझेंगे बिना भाग दिए कि आप क्या है टर्मिनेटिव नहीं है. तो इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालो. तो जिसमें ओनली 2 होना चाहिए या ओनली 5 होना चाहिए या ओनली 2 एंड 5 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिव डिसिमल हो जाएगा. तो जैसे 8 का फैक्टर 2 * 2 * 2 केवल 2 आ रहा है तो क्या होगा, टर्मिनेटिव डिसिमल हो जाएगा. 5 में केवल 5 आ रहा है, हो जाएगा. तो ये सब क्या होगा, टर्मिनेटिव. नॉन टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं जो भाग देने के बाद एक निश्चित संख्या के बाद संख्या की क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाती है, आर कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिव डिसिमल. ए डिसिमल इन व्हिच द डिजिट ऑफ सेट डिजिट इज अ रिपीटेड ऑफ द प्रीडिकेट इज कॉल्ड अ रिपीटिंग डिसिमल. जैसे 11/6, 3/11, 7/50, etc. अगर 6 में 11 से भाग देते हो तो 1.833 आ रहा. क्या देख रहे हो, रिमाइंडर 0 नहीं आया, एक निश्चित संख्या बाद केवल 3 आ रहा, रिपीट कर रहा है, दैट कॉल्ड अ रिपीटिंग डिसिमल. इसका ट्रिक क्या कहता है कि प्राइम फैक्टर निकालेंगे. इसमें 2 के अतिरिक्त कोई संख्या आ जाएगी तो नहीं होगा, 5 का अतिरिक्त कोई संख्या आ जाएगी तो नहीं होगा, 2 और 5 का अतिरिक्त कोई संख्या आ जाएगी तो नहीं होगा, ठीक है ना. ये हो गया नॉन टर्मिनेटिव. इसमें आप टाइप नंबर 1 आपको पढ़ना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड हाउ टू कन्वर्ट द टर्मिनेटिव डिसिमल. तो आपको इसका रूल क्या कहता है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर. दूसरा कहते हैं इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ट्री का पालन करेंगे, 2 है 5 है तो या ओनली 2 एंड 5 है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिव डिसिमल हो जाएगा. इफ द डिजिट आर एक्सेप्ट 2 एंड 5 द एनी डिजिट्स आर इंक्लूड दैट क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डिसिमल हो जाएगा. जैसे 70/90, इसका 90 का प्राइम फैक्टर 2 * 3 * 3 * 5 आया, 2 और 5 के अलावा 3 घुस गया तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डिसिमल हो जाएगा. 40 का निकाले 2 * 2 * 2 * 5 आ रहा, केवल 2 और 5 आ रहा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिव हो जाएगा. 108/125 का 125 का प्राइम निकाले तो ओनली 5 आ रहा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिव डिसिमल हो जाएगा. तो लेंथ ऑफ पीरियड जो होता है, जो आपको किसी भी डिसिमल के बाद ये संख्या भाग देने के बाद 1, 4, 2, 5, 8 के बाद फिर रिपीट हो जा रहा है तो दिस इज आर कॉल्ड द लेंथ ऑफ पीरियड. यहाँ 6 डिजिट है, 6 और लेंथ ऑफ पीरियड होगा. नेक्स्ट वीडियो में आते हैं.